होगा टीचर रिक्रूटमेंट आपन जानते प्रिलिम हो सारी पाने सिलेक्शन पाई सारी वर्तमान मेन एग्जाम केबे हबो द्वंद्व उठिला जो प्रिलिम रिजल्ट आसला आउ थे आसो रिजल्ट आउ थे आसो रिभाइज लिस्ट कहीं आसो कौन आसो कारण कौन कहगला जो पांच गुणा पिला ना आपर इनस्टांट जिनस बुझीपाली कहीं आप मन में आसूँ तो फाइव टाइम्स पिला सर नहीं कैटेगराइज नहीं जनापड़ फाइव टाइम्स नहीं ना एवं पिला जाते कहीं आप मन द्वंद्व पर दिया हूँ बहुत जन जन कौन आप रिभाइज आसो आप रिजल्ट आसो रिभाइज आप लिस्ट आसो बट से किसी आसबार ना कहीं फुल थे तो आसो फुल तो ना आसो कौन ये गोटे जिनस आज नीतिदिन खबर का आज आप देखिपारे प्रिलिम परीक्षा बातिल करने मसुदा चलती माध्यमिक शिक्षा जॉइन प्रक्रिया अहेतुक विलंब होपर शिक्षा योग्यता नहीं सब समालोचना हो बट यहाँ गोटे कथा नुह मीडिया यहाँ गोटे स्टंट बट एमती हो पारे आपणकर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क था जेहतु मेनसन नाला हाँ यहाँ भूल था ओडब्ल्यूसी मान नुहे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ना जो मेरीटेस पिला अच्छा से सफर हाँ पड़े एक्जाम कैनसल हे बातिल हे ये बेकार कथ सब फालतू कथ आप सब आलोचना होटा गोटे मुंड पुरानी यहाँ आप एक्जाम मेन प्रिपेरेसन इंपैक्ट पक निश्चित भाव में प्रिपेरेसन करूँ किसी एमती एक्जाम कैनसल हाँ ना नेक्स्ट कथा होची आपणकर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षर आपणकर रिक्रुटमेंट को ऑनलाइन करा जिवो ना ऑफलाइन करा जिवो आपण प्रीलिम तो ऑनलाइन हैला तो बहुत जनकर वर्तमान कहिया कथा जे एटा को वर्तमान ऑनलाइन करा जिवो आ बहुत जन कहिया कथा ऑफलाइन करा जिवो आपण कथा किछ होबो नै एडवर्टाइजमेंट रे मेंशन अछि म आपण कहबी जे मेन एग्जामिनेशन ऑफलाइन होबे मेंशन अछि म आपण देखैबी एंड प्रिलिम ऑनलाइन है तापर गोटे आप देखते चिठी आनला ओडब्ल्यूएससी जी आम प्रिलिम गुड़ा सब करूँ कौन ऑफलाइन करूँ आउ मेन गुड़ा सब ऑनलाइन करूँ चिठी आनी आप देखते हैं जोपे कि सीजीएल एग्जाम आप देखे ऑफलाइन होवार अच्छी आप 14 तारीख दिन ऑफलाइन होवार अच्छी एग्जाम प्रिलिम एग्जाम ऑफलाइन हे एंड मेन ऑनलाइन हे तेनाली बेसीस्रे यदि ओडब्ल्यूएससी करे ऑनलाइन एग्जाम हम मेन कि एडवर्टाइजमेंट पूर्व इश्यू होता है जो पूर्व इश्यू होता है ऑफलाइन मेंशन था हेटा मुझे आपको देखेदेक चाहिए गोटे कथा गवर्नमेंट जब डिसाइड करूँगी मुझे रिजल्ट बहुत फास्ट देवी तेल ऑनलाइन ही सुइटेबल ऑफलाइन को डेरी हुए ऑफलाइन एग्जाम कर रिजल्ट बाहर करवा ऑनलाइन बहुत इजी हुए इवैल्यूएशन सब जिन इजी हुए तो बर्तमान आपको देखेदेक चाहिए आउ गोटे कथा जो आपंकर जो मेन एग्जामिनेशन हम से मेन एग्जामिनेशन देढ़ गुणा पिला वेरिफिकेशन को मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट बाहर करदे ओडब्ल्यूएससी काम सरला ओडब्ल्यूएससी रो कौन रोल ना रिजल्ट बाहर कले मेरिट लिस्ट बाहर कले देन आप कंट्राक्टर आसेंगे डीएससी डीएससी ठीक कर डीओ मान को डीओ वन प्रति डीओ ऑफिसर वेरिफिकेशन करेंगे काउनसलिंग से हम स्कूल चॉइस से हम सब से हम आपर ओ डब्ल्यूएससी किसी संपर्क ना देन ओ डब्ल्यूएससी कौन करेंगे ना फोर्थ फेज आप कौन करने प्रस्तुत हो ठीक अच्छे ये प्रोसेस आपर डीओ लेवल चलो देन फोर्थ फेज में ओ डब्ल्यूएससी प्रस्तुत हो तो बर्तमान आम देखा जो बर्तमान अच्छी आप रिक्रुटमेंट अच्छी मेन एग्जामिनेशन अच्छी मेन एग्जामिनेशन के कहे यहाँ आप सेकेंड विक कि थर्ड विक हो पाए जून सेकेंड विक कि थर्ड विक ओके ये दुटा विक भितर कौन सी डेट भी एपर्त फाइनाल होनी तो जदि भी हो पदक आसेनि तो निश्चित भाव सेकेंड विक कि थर्ड विक हो रहा है मुझे 15 दिन तलू मस तलू भी आपको कही आस पचार कही आस जेठू आप जून डिक्लेयर है सप्ताह दुई सप्ताह पर आप पचार मुझे तो बर्तमान आम देखा जो एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ने आपर मोड ऑफ एग्जामिनेशन केमती हम ये किसी जिनसे मेंशन ना ऑनलाइन हम कि ऑफलाइन हम मेंशन ना कि मेंशन कराई मुझे देखा देखो जो नॉन आवर पॉइंट को आसीजे एक्शन टेकन एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट फाउंड गिल्टी से पॉइंट को आसीजे ये क्लीयर कहुई जे आपणकर टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज ओएमआर सीट क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट रफ सीट आंसर सीट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल और पासिंग इनटू द ऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द कंडक्ट एग्जामिनेशन ताने ओएमआर कथा मेंशन कराई पर्टिकुलरली लिखा है आप ना प्रिलिम लिखा है ना मेन लिखा है कौन से मीडियम हे बट ये ओएमआर कथा मेंशन कराई दैट मीनस ऑफलाइन कथा मेंशन कराई एंड लीव द एग्जामिनेशन भेन्यू आप यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड मिसबिहेविंग कथा अन्य कथा छाड़ू तो आप ये जिनसा खोजुते नॉन ऑवर पॉइंट आप देखिपर ये मेंशन कराई तेणु कथा हूँ आ पर गोटे चिठी आसाला जो क्लीयर मेंशन था जे आम प्रिलिम एग्जाम सब ऑफलाइन करवा और ऑनलाइन करवा ये एग्जाम तेणु शेयरिंग द एग्जामिनेशन टर्मिनाल थ्रू रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आफ लैंड बैन एक्सेट्रा अटेंडिंग द सेम तो यहाँ भी गोटे मल्टीट्रिक्स जीव
ତ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇ ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ କଥା ବି ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ OEEC ଯେଉଁ ଚିଠି ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ହେଲେ ଭଲ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ରହିବ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କମିଶନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କାହିଁକିନା ଏଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ, କମିଶନ୍ସ ଡିସିସନ୍ ଫାଇନାଲ୍, କମିଶନ୍ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ, ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେବ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍, ପରେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ସେମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଠି ବି ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ମାର୍କ ସ୍କୋର୍ ବାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସହ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କରାଯିବ, ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଚେକିଂ ତା'ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ସେୟାର୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ହେବାର ଥାନ୍ତା, ଏଠି କହିଥାନ୍ତା ମାର୍କ ସ୍କୋର୍ ବାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତେଣୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଥା ଏଠି କୁହାହେଇନି, ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲା ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ କଥା ଦେଖେଇଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଏରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଏରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ କମିଶନ୍ ଡିସିସନ୍ ଫାଇନାଲ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋରିଜେନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରି ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ, ଇସ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି କୋରିଜେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ, ବଟ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କଥା ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ୍ଲିୟର୍ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ କି ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି। ଓକେ, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଆପଣ ସର୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।